टेक्स्ट फॉर्मूला की जो अगली कैटेगरी अगली फॉर्मूलेज हैं जिसमें हम बात करेंगे और ज्यादा इफेक्टेड फॉर्मूले की, लास्ट वीडियोज में हमने बात की थी लेफ्ट राइट मिड सिंपल फॉर्मूले की, अब उससे आगे हम बढ़ते हैं। नमस्कार, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आईपी टेक्स स्कूल से हमारे इस टैबलू की वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करता हूं, जहां हम बात कर रहे हैं टैबलू की वीडियो सीरीज की। तो पिछले वीडियोज में हमने लेफ्ट राइट मिड के बारे में जाना था, आज हम उससे आगे जानते हैं। तो इस वीडियो की शुरुआत हम करते हैं एक फॉर्मूला, एक करेक्टर चेकिंग फॉर्मूले से, लिस्ट में देखेंगे, उसका नाम होता है कंटेंस कंटेंस। ये फॉर्मूला का यूज क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ में टेक्स्ट में एक पर्टिकुलर वर्ड मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, अवेलेबल है या नहीं है, इस चीज को चेक करने के लिए। तो हम अपने टैबलू वाले शीट्स पे आते हैं और मैं यहाँ पे अपडेट नाउ करता हूँ क्योंकि बहुत बड़ी फाइल थी, लास्ट वीडियो में बताया था मैंने, जैसे कि मुझे जस्ट यहाँ मेरा मेरा यहाँ पे कोड डाला हुआ है, एक कोड है यहाँ पे FLC है, SAP ID और बाकी चीजें यहाँ पे दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे। बस मुझे इसमें चेक करना है इसके अंदर में कि मेरा एक जो कोड है वो है 3A, या फिर इसी में चेक करना चाहता हूं कि इसमें टी डैश है या नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे आईडी है, मुझे जब चेकआउट करना है कि इसके अंदर टी डैश अवेलेबल है या नहीं है, तो क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड पे हम आएंगे और यहां पे टी डैश चेक CHK, और यहां पे हम फॉर्मूला लगाएंगे CONT कंटेंट्स, और कंटेंट्स के अंदर में सैप की कर देंगे। और क्या चाहिए, तो इन्वर्टेड में सिंगल कोट में, यहां से इन्वर्टेड कोट डबल इन्वर्टेड कोट नहीं होता, सिंगल कोट होता है, तो यहां पे टी यहां पे देखिए फॉर्मूला इज वैलिड अप्लाई। तो ये जो रिजल्ट देता है, ये रिजल्ट देता है ट्रू और फॉल्स में, जी हाँ ट्रू एंड फॉल्स में, अगर अवेलेबल है तो ट्रू, अवेलेबल नहीं है तो फॉल्स। अब एक चीज मुझे देखना है कि क्या ये केस सेंसिटिव होता है, मैंने स्मॉल में डाल दिया, ये फॉल्स आ, तो ध्यान रखिएगा कॉन्स्टेंट फॉर्मूला केस सेंसिटिव होता है, मतलब कि बड़े छोटे का फर्क रखता है कॉन्स्टेंट फॉर्मूला। तो कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत बड़े आईडी में हमें पर्टिकुलर वर्ड को सर्च करना होता है ताकि उसके बिहाफ पे हम डैशबोर्ड बना सकें, वहां पे इसका इस्तेमाल होता है। तो और भी बहुत से मैं फॉर्मूला, जैसे देखिए ACII, ये क्या करता है करेक्टर का कोड बनाता है, बहुत छोटा फॉर्मूला है और मुझे लगता है कि ये टैबलो में यूज होता है, जैसे कि किसी करेक्टर का हम लोग एक्सेल में जो कोड का फॉर्मूला लगाते हैं वो कोड फॉर्मूला यहाँ पे आके ACII आ गया है। फिर आता है कैर फॉर्मूला, कैर जो है कि करेक्टर को वापस कोड में कन्वर्ट कर देता है, जी हाँ कोड में कन्वर्ट कर देता है, कॉन्स्टेंट आपको मैंने बताया ही। अब बोलेंगे करेक्टर और कोड का क्या झंझट चक्कर है, तो मैं आपको एक छोटा सा डेटा पे काम करके दिखाना चाहूंगा। मैंने यहाँ पे नेम ले लिया और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सुजीत और N% दे के कुमार, मैंने ऑल्ट एंटर किया हुआ है, जस्ट ऑल्ट एंटर, फिर मैंने इसको सुजीत कुमार आ गया इस तरह से पूजा, ऑल्ट एंटर सिंह, ऐसे यहां पे मोहन, ऑल्ट एंटर वर्मा, एक और नाम दे देता हूं इंदर, ऑल्ट एंटर जीत। हम नीचे की तरफ डेटा और यहां पे सेल्स फिगर हम दे देते हैं, यहां पे हो गया, और
नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं और कॉपी करके इस पे वैल्यू पेस्ट कर देते हैं। इस फाइल को मैं सेव करता हूं, इस फाइल को सेव करता हूं डाउनलोड में CHR के नाम से, कैर के नाम से। इसको मैंने क्लोज किया। अब वापस इसको हम टैबलू में लेके आते हैं, इसको क्या कर देता हूं, टैबलू में लेके आते हैं। तो यहां हम कनेक्शंस ऐड पे क्लिक करते हैं, टेक्स्ट फाइल और डाउनलोड, ओ सॉरी टेक्स्ट हमने गलत कर दिया, हमें यहां से ऐड करना था एक्सेल फाइल। अब इसके डाउनलोड में मुझे कैर दिख जाएगा, कैर ओपन। आ गया यहां पे, यहां से रिमूव कर देंगे और इसको भी रिमूव कर देते हैं। बट रिमूव करने पे जो ए होता है, हमने जो कोड ए लिखा हुआ है वो वापस रहता है, वापस हम कैर को यहां रखते हैं। आ गया। अब इसमें आप देख पा रहे हैं कि सुजीत एंड कुमार दोनों एक साथ है। अगर आप इसकी लेंथ फॉर्मूले से क्रिएटेड कैलकुलेटेड फील्ड में जाते हैं और लेंथ एलेन लेन हम करते हैं यहां पे और इसकी लेंथ निकालते हैं तो आप देखेंगे लेंथ नेम, तो देखेंगे कि ये यहां पे 12 है बट मैनुअल काउंट करें तो 11 हो जाए, सुजीत 6 हुआ और कुमार 11 हुआ, लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे 12 है। क्यों है? क्योंकि टी और के बीच में जो हमें रैप टेक्स मारा था वो है, बट दिख तो सुजीत कुमार ही रहा है बट स्पेस नहीं है क्योंकि रैप टेक्स यहां पे वर्क नहीं करता है। मुझे यहां पे नाम चाहिए जिसमें सुजीत और कुमार के बीच में स्पेस होना चाहिए। जी हाँ, सुजीत और कुमार के बीच में स्पेस होना चाहिए। तो प्रॉब्लम जैसे एक्सेल में ही प्रॉब्लम होती है, एक्सेल में चीज को करके दिखाऊं, सुजीत और यहां पे कुमार, तो एक्सेल में हम इसका यूज क्या करते हैं, हम यहां पे लिखते हैं सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट के अंदर हम देते हैं कैर, कैर में 10 चल कैर अभी नहीं देंगे, अभी लेटर सेलेक्ट करेंगे ना, सेलेक्ट किया और यहां पे देते हैं कैर 10 और फिर देते हैं स्पेस, ए फॉर्मल लगाते हैं। तो कैर 10 क्या है, ए जो ऑल्ट एंटर हम प्रेस करते हैं उसका कोड, जो ऑल्ट एंटर प्रेस करते हैं इसका जो कोड है वो होता है 10, तो कैर को 10 रखने पे सेम आता है, सब्स्टिट्यूट उसको रिप्लेस करता है। तो पहले चीज को जानना होगा कि टैबलू में सब्स्टिट्यूट के लिए कौन सा फॉर्मूला है, तो हम चलिए उसकी आर्टिकल पे चलते हैं। कॉन्स्टेंट हो गया, हमने कॉन्स्टेंट पढ़ लिया, एंड बिल एंड स्विच ये हम बाद में पढ़ेंगे, ये कॉन्स्टेंट की तरह ही होता, कंटेंट्स की तरह ही होता है। फाइंड फॉर्मूला फाइंड करता है, फाइंड फाइंड लेफ्ट लेन लोअर एल ट्रीम मैक्स मिड मीन रिप्लेस, जी हाँ रिप्लेस का फॉर्मूला है कि यहां पे वर्जन किसको किससे रिप्लेस करना है। तो हम यहां पे न्यू नेम का फॉर्मूला लगाते हैं और यहां पे फॉर्मूला लगाते हैं हम रिप्लेस का, रिप्लेस, रिप्लेस में आ जाएगा हमारा नेम
और नेम में हम यहाँ देंगे सी एच आर कैर, कैर में देंगे 10 और उसको रिप्लेस होगा, रिप्लेस करेगा स्पेस, वैलिड अप्लाई। देखिए सुजीत कुमार आ गया, इसका यूज हम करते हैं। तो आप लोग इस फॉर्मूले की इस्तेमाल कीजिए, हम टेक्स्ट फॉर्मूले की एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें बाकी जो फॉर्मूले बचे हैं लिस्ट में उसको हम डिस्कस करेंगे। इस पे एक बार अपने हिसाब से अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा मेरे वीडियो को, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा। अगर यूट्यूब पे मेरे वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको मेरी लाइव क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाकर लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और जल्द ही मेरे ऐप पे भी एक टैबलू कोर्स लॉन्च होने वाला है, तो फटाफट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए एंड ऐप के लिंक पे क्लिक करके ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अभी ऐप पे एक्सेल और वीवीए कोर्सेज अवेलेबल है, टैबलू पावर बीआई की कोर्सेज भी जल्द उस पर आने वाले हैं, तो फटाफट आप वहां पे जाइए और उसको डाउनलोड कीजिए। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।